गाइस हमारा ये धनिया बनके रेडी हो गया ट्राई। ये देखिए कितनी ऐसे कड़क आवाज़ आ रही है इसकी, जैसे कसूरी मेथी बनती है ना वैसे ये बन जाता है। इसको हम 1 ईयर के लिए भी स्टोर कर सकते हैं, साल भर ये ख़राब नहीं होता। बट ये है कि इसको गिल्ले हाथ नहीं लगाने, सावधानी से इसको यूज़ करना। जैसे हम कसूरी मेथी को रखते हैं फ्रिज में या बाहर अच्छी तरह, जितनी निकालनी हो बस उतना ही इसको सूखे हाथ से निकालो। हम जिपलॉक बैग में इसको डाल के स्टोर कर सकते हैं, ऐसे ये जिपलॉक बैग। हेलो एवरीवन, मैं स्नेह किचन पंजाबी तड़का, वेलकम टू द स्नेह किचन पंजाबी तड़का। आज आपको मैं धनिया, इसको मैंने वॉश कर लिया हुआ है 3-4 बार पानी से, इसको अच्छी तरह वॉश करना हमने। और इसको हमें जो वॉशिंग मशीन नहीं होती उसमें ड्रायर होता है उसमें इसको ड्राई करूँगी। इसको मैंने ये नैपकिन में डाल देना सारा और इसका सारा वाटर सोख लेगा। ये देखिए अभी इसमें वाटर है तो इसको हम नैपकिन में डाल लेते हैं, इसको ऐसे बांध लेंगे। इसकी नोट लगा लेंगे हम, गांठ लगा लेंगे और एक और नैपकिन में डाल लेंगे इसको, ताकि ये जो नोट है खुले नहीं। अब एक और नैपकिन में मैं इसको बंद करूंगी, इसको बंद करेंगे अच्छी तरह। ये बहुत ही यूज़फुल टिप है, आप इसको ट्राई ज़रूर करना। ये देखिए इसको मैं वॉशिंग मशीन में ले जाती हूँ। ये देखिए गाइस मैं इसको स्पिन वाले जगह में डाल दूँगी, स्पिनर में हमने डालना है, इसको ऐसे रखना है ताकि गांठ हमारी खुले नहीं। इसको स्पिन कर देना हमने। ये स्पिन का है हमारा, ये देखिए स्पिनर चल रहा हमारा। ये देखिए हमारी स्टॉप हो गई है ड्राई स्पिन, अब इसको हम निकाल लेते हैं। ये देखिए गाइस हमने कर लिए स्पिन, अब इसको हम खोल के आपको इसका रिएक्शन बताते हैं क्या निकलते हैं। ये देखिए कितने हमारे ड्रायर हो गए हैं। इसको हम थोड़ा सा फैला देंगे सूती कपड़े में, तो 5-10 मिनट या आधा घंटा इसको ड्राई कर ले, फिर आप किसी कंटेनर में या उसमें जिपलॉक बैग में डाल सकते हैं उसको, और इसको कितनी देर हम यूज़ कर सकते हैं रख के। पर ड्राई होना चाहिए, मॉइस्चर नहीं होना चाहिए इसमें। ये देखिए बिल्कुल सूखे हैं ये, डबल नैपकिन से करोगे तो आप बिल्कुल भी पानी नहीं रहेगा इसमें, ड्रायर हो जाएंगे ये हमारे। ये रेसिपी को ज़रूर आजमाएं आप। मेथी को भी ऐसे ही ड्राई कर सकते हो, उसको भी स्टोर करके रख सकते हो तो आपकी ये ख़राब नहीं होंगी। ये बहुत ही यूज़फुल टिप है ये हमारी। वो एक और नेक्स्ट हम बताते हैं धनिया को कैसे हम अच्छे तरीके से स्टोर करें। अब इसको हम मन तक स्टोर कर सकते हैं। ये क्या करेंगे हम, इसे ऐसे नैपकिन ले लेंगे और इसके जो है ना अलग अलग ये जो है इतने इतने हम लीव्स ले लेंगे, इतने जितने हमने यूज़ करने उसके ही हम थोड़ा सा फोल्ड बना लेंगे ऐसे, इसको ऐसे फोल्ड कर लेंगे, थोड़े थोड़ा डिस्टेंस छोड़ के हम इसको फोल्ड कर लेंगे ताकि हमें सारा खोलना ना पड़े। इसको हम इतने इतना फोल्ड करते जाएंगे। ये हमारा बहुत ही सेफ रहता है इससे धनिया, ये 1 मंथ तक चल जाता है। इसका रिजल्ट बहुत ही अच्छा आता है।
इस तरीके से भी हम धनिए को सेव कर सकते हैं। इसको हम जिप लॉक बैग में ट्रांसफ़र कर लेंगे। ये हमारा जिप लॉक बैग है, इसमें हम डाल देंगे और इसको हम सेफली हम रख देंगे। इसमें मॉइस्चर नहीं आएगा। इसको हम ऐसे इसकी हवा निकाल के थोड़ी सी प्रेस करके, एयर नहीं अंदर जानी चाहिए, इसको बंद कर देंगे। नहीं तो आप वो नमकीन वाला पैकेट आता है ना जो हल्दीराम का, वो वाला भी यूज़ कर सकते हो। उसको क्लीन करके इसको भी यूज़ कर सकते हो आप। देखिए गाइस, इसको हम ऐसे रख लेंगे फ्रिज में, महीनों तक हम इसको यूज़ कर सकते हैं। 1 मंथ तक ये टिक जाता है ये, तो ये भी आप ऐसे स्टोर इसको कर सकते हो। और ये है कि इसको येलो जो है ना लीव्स, वो नहीं होने चाहिए, वो निकाल दे, फ्रेश होने चाहिए लीव्स, तभी ये ज़्यादा देर तक टिकेगा। आप थोड़ी देर थोड़ा थोड़ा यूज़ करें इसको, नेपकिन को निकाल। ये देखिए गाइस, धनिया हमारा ड्राई हो गया है। अब इसको हम चॉप करते हैं, बिल्कुल इसको ड्राई करके ही चॉप करके अपने रखना है। ज़रा सा भी मॉइस्चर नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपका धनिया ख़राब हो जाएगा। इसको हम चॉपिंग बोर्ड पे चॉप करते हैं। ये देखिए गाइस, हमने चॉपिंग बोर्ड पे धनिया रख लिया। इसको हम चॉप कर लेते हैं बारीक बारीक। इसको हम चॉप कर लेते हैं। ये देखिए गाइस, हमने धनिया चॉप कर लिया और इसको हम देखिए गाइस, हमने चॉप करके ये धनिया को हमने वॉश पहले वॉश कर लिया था ठीक ना, इसको फिर चॉप करके हमने ये ड्राई करने के लिए रख दिया था। ये 2 दिन बाद ये ऐसे हो गया है। अभी एक आधा दिन और लगेगा, फिर ये बिल्कुल कड़क हो जाएगा धनिया। सो आप भी इसको बनाए स्टोर करने के लिए, आप इसको एक साथ स्टोर कर सकते, जैसे हम कसूरी मेथी नहीं बनाते वैसे इसको हम पैकेट में जिप लॉक बैग में डाल के उसको 1 ईयर के लिए स्टोर कर सकते हैं। सो आप इसको भी स्टोर करें, धनिए को आप ऐसे भी स्टोर कर सकते हो। ये तो बिल्कुल ख़राब नहीं होएगा, बट ये है कि इसमें मॉइस्चर नहीं होना चाहिए, बिल्कुल ड्राई होना चाहिए। जैसे कसूरी मेथी ड्राई होती है ना, मेथी को हम सुखाते हैं, वैसे ही इसको कर सकते हैं। हमें धूप में नहीं इसको रखना, हमें खुले में इसको टेबल में रख देना, या पैन के नीचे, या ऐसे भी सुखा सकते हो। इसको ये हिलाते रहना बस इसको, तभी ये सूखेगा, ड्राई होगा ये। या आप माइक्रोवेव में भी कर सकते हो 2-3 मिनट, ये भी है 1 मिनट माइक्रोवेव में रखो, फिर दोबारा इसको हिला के थोड़ा चेंज करके ऊपर नीचे, फिर आप माइक्रोवेव में 3 मिनट में ये बन जाता है, ये दिन ड्राई हो जाता है, ठंडा हो जाए, फिर आप जिप्लॉक बैग में डाल लो। ऐसे भी आप इसको स्टोर कर सकते हो 1 ईयर के। ओके गाइस, हमारा ये 3rd डे ये धनिया बन के रेडी हो गया। ये देखो कितनी आवाज़ आ रही है ना, कुछ ड्राई हो गया ये। अब भी ऐसे इसको ड्राई करके रख सकते हो। ये देखिए आवाज़ आ रही है ना, कितनी अच्छी कड़क हो गया ये। ये 3 दिन लगते हैं इसको, अपने धूप में नहीं इसको रखना, छाया में इसको सुखानी है। देखिए अब इसको हम जिप्लॉक बैग में डाल के स्टोर कर लेंगे। आप चाहो तो बाहर रख सकते हो, नहीं तो आप फ्रिज में भी रख सकते हो, ये साल बाद ख़राब नहीं होता। हम कसूरी मेथी को जैसे स्टोर करते हैं ना, ऐसे ही हम इसको स्टोर कर सकते हैं। कसूरी मेथी भी आप ऐसे ही बना सकते हो, मेथी को तोड़ के अच्छी तरह। देखिए गाइस, हमारा धनिया बन के रेडी हो गया, ड्राई धनिया। आप इसको सूखी सब्जी में डालें, परांठे में डालें, किसी भी ड्राई चीज़ में डाल सकते हो, और इसका फ्लेवर वैसे का वैसा ही रहेगा धनिया का। ये बहुत ही अच्छा बन जाता है ड्राई, तो आप इसको यूज़ ज़रूर करें, बनाए ज़रूरी है। थैंक यू। ये देखिए गाइस, इसको हम ऐसे रख लेंगे फ्रिज में, महीनों तक हम इसको यूज़ कर सकते हैं। 1 मंथ तक ये टिक जाता है ये, तो ये भी आप ऐसे स्टोर इसको कर सकते हो। और ये है कि इसको येलो जो है ना लीव्स, वो नहीं होने चाहिए, वो निकाल दे, फ्रेश होने चाहिए लीव्स, तभी ये ज़्यादा देर तक टिकेगा। आप थोड़ी देर थोड़ा थोड़ा यूज़ करें इसको, नेपकिन को निकाल के।